हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ड्रोन जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो ये वो ड्रोन है, A13 के नाम से आता है। और आप देख सकते हैं बॉक्स पर इसका जो है मॉडल प्रिंट हुआ है, और यहाँ पर इसका मॉडल नेम है A13। तो इस बॉक्स की जो है, इस ड्रोन की जो है, हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं और इसके बैग को हम बाहर निकालते हैं। तो ये जो ये ड्रोन है, ये एक बैग के अंदर आता है, और ये बैग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ठीक ठाक क्वालिटी है। और हमारा ड्रोन कैसा है उसे हम अभी निकाल कर देखते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं कि करके हम बाहर निकालेंगे और उन्हें चेक करेंगे। तो ये बैग हमने ओपन कर लिया है और इसमें हमारा ड्रोन, रिमोट और बाकी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये मैनुअल हमें दिख रहा है, तो मैनुअल को हम बाहर निकाल लेते हैं। और आपको इसमें मिलते हैं दो मैनुअल, एक ड्रोन का है और एक कैमरा ऐप के QR कोड को स्कैन करने के लिए है। ये QR जो है कोड दिया गया है, जिसे आप स्कैन करके इसकी कैमरा ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और बाकी चीज़ों पर अपना फोकस करते हैं। ये एक पाउच मिला है जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं इसके साथ आती हैं वो रखी गई हैं। क्लिक करके बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे ये चार आप देख सकते हैं ब्लेड हैं, एक्स्ट्रा ब्लेड इसके साथ दी गई हैं। अगर आपके ड्रोन की ब्लेड डैमेज हो रही हैं तो आप इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, और ये बहुत ध्यान से रिप्लेस करनी चाहिए क्योंकि जो ब्लेड जहाँ की है वहीं लगनी चाहिए। अगर आप गलत जगह लगा देंगे तो ड्रोन फ्लाई नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक स्क्रू ड्राइवर इसमें मिल जाता है, इस ड्रोन को हम इससे ओपन कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। और ये एक चार्जिंग केबल है, किसी भी USB चार्जर में ये लग जाती है और आप इस ड्रोन की बैटरी को आप चार्ज कर पाएंगे। इसके अलावा हमें जो है चार छोटे छोटे स्क्रू देखने को मिलते हैं जो चार ब्लेड के साथ आते हैं, ताकि आप उन ब्लेड को लगा सकें। अगर स्क्रू जो है लूज़ हो गए हैं या खो गए हैं तो आप इनका इस्तेमाल करके उन ब्लेड्स को इस ड्रोन में लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक बैटरी दिखाई दे रही है। तो ये जो मैं बता दूँ आपको, ये जो ड्रोन आता है ये डुअल बैटरी के साथ आता है। तो एक बैटरी जो है ये है और एक बैटरी इसकी ड्रोन में लगी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ एक ड्रोन में लगी है और एक बैटरी ये है। तो डुअल बैटरी के साथ ये ड्रोन आता है, और ये जो बैटरी है 1600 mAh 3.7 volt की है। और ये इसका रिमोट कंट्रोल है, और इसका जो रिमोट कंट्रोल है उस पर सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप अपना जो है फ़ोन माउंट कर सकते हैं और इस कुछ इस तरीके से इसे बंद कर सकते हैं। जॉयस्टिक ठीक है, प्रेस अच्छी है हो रही है, क्वालिटी अच्छी है रिमोट की, और सभी बटन ठीक से जो है काम कर रहे हैं। फिलहाल इस रिमोट को जो है हम अभी साइड में रखते हैं, और जिसके पीछे का हिस्सा है उसमें तीन सेल जो है हम डाल सकते हैं। ये तीन सेल डाल के हम इसको रेडी करेंगे। फिलहाल अभी हम रख देते हैं, तीन सेल आप इसमें इंस्टॉल कीजिए और ये रिमोट जो है रेडी हो जाएगा। और ये हमारा जो है ड्रोन है। तो आप देख सकते हैं ये जो ड्रोन है ये कार्बन बॉडी में आता है, कार्बन फाइबर बॉडी में आता है, और इस वजह से जो ये जो है काफ़ी मजबूत होता है, इसकी जो बॉडी काफ़ी मजबूत होती है। ये जो फ्रंट कैमरा है, और ये जो कैमरा मैं आपको बता दूँ ये रिमोट से ऑपरेटेड है, और इसे आप रिमोट से कंट्रोल कर पाएंगे। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं सेंसर लगे हुए हैं, ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के लिए हैं, और नीचे की तरफ भी आपको एक कैमरा देखने को मिलता है। तो ये डुअल कैमरे के साथ आता है, एक सामने है और एक नीचे की तरफ है। और यहाँ पर इसकी बैटरी है 1600 mAh की, 3.7 volt की बैटरी है। बैकअप कितना मिलता है ये हम फ्लाई के दौरान जानेंगे। तो अभी हम इसको इंसर्ट कर देते हैं और इस ड्रोन को जो है लेग खोल कर इसकी जो है ओपन करते हैं। तो खुल जाने के बाद ये प्रॉपर इस तरह का आपको दिखाई देता है, और काफ़ी अच्छा लुक जो है इस ड्रोन का बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से, और ये जो है रिमोट से कंट्रोल जो है इसका कैमरा होता है। और इसमें ब्रशलेस मोटर दिए गए हैं, और आप जानते हैं कि ब्रशलेस मोटर जो है बहुत कम आवाज़ करते हैं, बहुत अच्छी जो है फ्लाइंग देते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हमने इसको प्रेस किया, जो इसका जो मॉड्यूल है कैमरे का वो ऊपर नीचे हुआ और उसने अपना जो है सेटिंग ले ली है। फिलहाल अभी हम इसको ऑफ़ करते हैं और अपने रिमोट में हमने सेल डाल लिए हैं, और देखिए यहाँ से जैसे हम इसे प्रेस करते हैं ये काम करना शुरू कर देता है। फिलहाल अभी हम अपने फ़ोन में, मोबाइल में जो है इसकी कैमरा ऐप को इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम इसके कैमरा को अपने फ़ोन पर एक्सेस कर सकें। तो आपको लेना है एक फ़ोन और लेना है QR कोड इस कैमरा ऐप का जो इसके साथ मिलता है। आप इसे स्कैन करेंगे और इस लिंक पर जाएंगे, और वहाँ पर ये आपको एक ऐप लिंक पर ले जाएगा जहाँ से आप इसकी ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके फ़ोन में QR स्कैनर से
कोड स्कैन नहीं हो रहा है तो आप QR रीडर नाम की एक ऐप को इंस्टॉल करके ये काम भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये ऐप हमारी है, इसको हमने इंस्टॉल कर लिया है, ओपन कर लिया है, स्टार्ट अभी नहीं करेंगे क्योंकि पहले हमें जो है ड्रोन की वाईफाई सिग्नल को सर्च करना है। और जैसे ही हम सर्च पर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है HF के नाम से जो है ये सिग्नल आ रहा है, इसको अभी हम जो है कनेक्ट कर लेते हैं। और कनेक्ट करने के बाद फिर से इसकी कैमरा ऐप को हम ओपन करेंगे। तो हमने कैमरा ऐप को ओपन कर लिया है और हम करते हैं इसे स्टार्ट। और जैसे हम स्टार्ट करते हैं इसका जो कैमरा है वो हमारे मोबाइल पर आने लगता है। तो ये इसका जो है कैमरा है और कैमरा जो है इंटरफेस इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो कैमरा सही से काम कर रहा है। और यहाँ पर जो है इसकी इसमें आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे EPTZ का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आप उसको प्रेस करते हैं तो आप यहाँ से इसके कैमरे को जो है मूवमेंट दे सकते हैं। फिलहाल ये जूम होने के बाद जो है लेफ्ट राइट और साइड होता है। यहाँ पर आप स्पीड दे सकते हैं, 130-60 पर आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, गेस्चर का ऑप्शन मिल जाता है, इसके अलावा आपको ये 3VR के लिए ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर आप स्क्रीन को जो है पलट सकते हैं, अगर आपका मोबाइल उल्टा लग गया है तो आप यहीं से स्क्रीन को उल्टा सीधा कर सकते हैं। तो ये इसका कैमरा है। और अभी हम इसके कैमरे को जो है साइड में रखते हैं, फ़ोन को साइड में रखते हैं और अपने ड्रोन को जो है रिमोट से कनेक्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए हमने रिमोट को ऑन कर लिया है, जॉयस्टिक को एक बार ऊपर नीचे करेंगे और दोनों जॉयस्टिक को जो है कोने में खींचेंगे ताकि ये कैलिब्रेट हो जाए। याद रखिए ड्रोन को हमेशा कैलिब्रेट करने के बाद ही फ्लाई कीजिए ताकि वो सही से फ्लाई हो। तो आप देखिए हमने यहाँ मैदान पर इसको ले आए हैं और हमने जैसे ही इसको प्रेस किया इसका जो मॉड्यूल है ऊपर नीचे हुआ और ये कनेक्ट हो गया। ये इसकी 1 की टेक ऑफ है और एक हाइट लेने के बाद ये रुक जाता है और वहाँ पर ये फ्लाई करने लगता है। उसके बाद आप इसे कमांड दे सकते हैं और ये जो है उसके अनुसार फ्लाई करेगा जैसे आप इसे कमांड देते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो मॉड्यूल है वो कैमरा ऑपरेटेड है और उसे आप कैमरे से ही एडजस्ट कर सकते हैं। ये आता है ब्रशलेस मोटर के साथ, तो ये ब्रशलेस मोटर जो है बहुत कम साउंड करते हैं और इनमें काफ़ी पावर होती है और ये टकराने के बाद इतनी आसानी से डैमेज भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने पहली बार ड्रोन जो है फ्लाई कर रहे हैं, कोई भी ड्रोन आपने पहली बार लिया है और आप उसे फ्लाई करना नहीं जानते, तो प्लीज़ उसे घर के अंदर फ्लाई मत कीजिएगा, डैमेज हो जाएगा। चाहे कितना भी अच्छा आप ड्रोन लें, आप उसको खुले मैदान में ले जाएं जहां आपके पास टाइम हो, मौका हो समझने के लिए रिमोट के कंट्रोल को और उसे आप उस ठीक से कंट्रोल कर पाए जहां पर वो आपको सही से दिखाई दे। तो ये हमारा जो है ड्रोन है और बिना की को जो है छेड़े भी ये एक जगह जो है फ्लाई करता रहता है। और इसमें आपको फ्रंट में और साइड में और पीछे की तरफ लाइट दिखाई देती हैं। और जो इसकी बैटरी है, दो बैटरी आपको इसके साथ मिलती हैं। आपको एक बैटरी पर ये 8-9 मिनट का बैकअप आसानी से दे देता है, दोनों बैटरी पर आपको 16-17-18 मिनट तक का बैकअप मिल जाता है, 18 मिनट का मिल जाता है। और बाकी आपकी फ्लाइंग पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से जो है इसे फ्लाई करते हैं, क्योंकि अगर आप जो है हाई स्पीड में फ्लाई करते हैं तो बैकअप कम हो जाता है, स्लो स्पीड पर फ्लाई करते हैं बैकअप बढ़ जाता है। और हाँ, अगर आप 360 फ्लिप करते हैं तो बैकअप जो है वो घट जाता है। ये इसकी 360 फ्लिप है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्टेबल तरीके से 360 फ्लिप इसकी लगती है। और हमेशा याद रखिए 360 फ्लिप को थोड़ा सा ऊंचाई पर ले जाकर कीजिएगा, ज़मीन के पास करेंगे तो टकरा जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये जो ड्रोन है ये अगर आपने पहली बार फ्लाई करने के लिए लिया है तो आप इसे फ्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसकी रेंज बहुत अच्छी है, हमने इसे बहुत दूर तक लेकर गए हैं और इसके बाद भी इसकी जो रेंज है वो बनी रही है और बढ़िया तरीके से ये फ्लाई हुआ है। तो मैं आपको बता दूं ये ड्रोन जो है हमने exynos.com से ख़रीदा है, वहाँ पर ये आपको अवेलेबल है और वहीं से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे प्राइस में वहाँ पर अवेलेबल रहता है, वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे ड्रोन काफ़ी अच्छे प्राइस में मिलते हैं। तो अभी इसकी जो कैमरा क्वालिटी है और जो इसकी फुटेज है वो हमने वीडियो के लास्ट में लगाई है, आप वहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हैं कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो अगर आपको ये ड्रोन अच्छा लगा हो तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।